यूपी में काउंटिंग खत्म होने के साथ ही बीजेपी ने एक बार फिर जीत का परचम लहरा दिया है, तो वहीं अपने गढ़ अयोध्या में बीजेपी को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। अयोध्या की कुल 5 सीटों में 3 सीटें बीजेपी ने जीती, तो वहीं सपा के प्रत्याशियों ने 2 सीटों पर अपना परचम लहरा दिया, जिससे बीजेपी को गहरा धक्का भी लगा है। आपको बता दें कि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने जीत के झंडे गाड़े, तो वहीं दूसरी तरफ गोसाईगंज विधानसभा इलाके में अभय सिंह ने बता दिया कि उनके सामने कोई नहीं टिकेगा। जी हां, गोसाईगंज सीट से अभय सिंह विधायक चुने गए हैं। यह भी कहा जा सकता है कि अयोध्या में अवधेश और अभय सिंह ने सपा की नाक बचा ली। नौजवानों की जीत है, मजदूरों किसानों की जीत है, दलितों पिछड़ों की जीत है, गरीबों की जीत है, इसके लिए हम उन्हीं लोग बधाई देना चाहेंगे। देखिए, हमारी कोई रणनीति नहीं है, सीधी सीधी बात, हम लोग सेवा करते हैं, चाहे वो किसी भी जात वर्ग धर्म का हो, हम लोग उसकी सेवा करते हैं। हमारे दरवाजे किसी की जात नहीं पूछी जाती है। ये नहीं किया था कि हम इस आदमी के यहाँ पानी नहीं पियेंगे, इस आदमी के यहाँ खाना नहीं खाएंगे, हम लोग सबके यहाँ पानी पीते, सबके यहाँ खाना खाते हैं। और जिस तरीके से हमारे विधानसभा क्षेत्र में गरीबों से पुलिस के माध्यम से वसूली हुई है, गरीबों से कोटेदारों के माध्यम से वसूली हुई है, SMI को मैनेज करके गरीबों से हर तरीके से सरकारी अधिकारियों को मिला वसूली, हमारा प्राथमिकता रहेगी उस अवैध वसूली को गरीबों से बंद कराया जाए। अब सरकार तो देखिए भारतीय जनता पार्टी बनी है, जो विकास है हमारे, हम लोग उसका प्रस्ताव बना करके देंगे। अब तो ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की नियत डिपेंड करता है कितना हम लोग के यहाँ विकास कार्य देते हैं कि नहीं देते हैं, लेकिन जो भी होगा उसके लिए हम लड़ेंगे, चाहे धरना करना पड़े, प्रदर्शन करना पड़ेगा, चाहे विधानसभा के वेल में बैठना पड़े, घुसना पड़ेगा, लेकिन क्षेत्र के लिए हम लगातार विकास के लिए कुछ ना कुछ करते रहेंगे, उनकी मदद करते रहेंगे। वहीं रुदौली सीट पर भाजपा प्रत्याशी रामचंद्र यादव ने भगवा लहराया। इसी के साथ अयोध्या विधानसभा से भाजपा के वेद प्रकाश गुप्ता और बीकापुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी अमित कुमार सिंह ने अपनी जीत का परचम लहराया है। यूपी में बहुमत लाने के बाद बीजेपी सरकार तो बना लेगी, लेकिन आने वाले 5 सालों तक अयोध्या की गोसाईगंज सीट और मिल्कीपुर सीट कांटे की तरह गढ़ती रहेगी, क्योंकि यूपी पर कब्जा होने के बावजूद बीजेपी इन 2 सीटों पर कब्जा नहीं कर सकी। अयोध्या से न्यूज़ टाइम नेशन के लिए आजम खान की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं, और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।